बहुत खुश है कन्हैया जी। सलाम अलैकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मबसूर मबरूक या हबीबी। यू आर वेरी हैप्पी टुडे। आप बड़े खुश, 14 अगस्त पहली 14 अगस्त थी ना सर? ओ ते माशाल्लाह मनाई ने एडे खुश सन। अच्छा, और मार भी बड़ी पई है सर। मार क्यों? माफी चाहिए। व्हाट हैपेंड सर जी? असल च ना असि होटल दे ना बैलकनी च बैठे सन। ओके। वो 14 अगस्त दे जुलूस लंघ रहे सन। वो मुंडे नाल मोटरसाइकिल चला रहे सन, अगला टायर चुक के वीलियां वीलियां मार रहे सन। मैनू कहंदे ने इस तरह मनांदे ने 14 अगस्त? मैं कहा सर ते ज्यादा मोटरसाइकिल दे उत्ते लोग जश्न मनांदे ने। कहंदे ने कढ फिर अपना हार्ले डेविडसन। ओए होए होए, कढ़िया फिर मैं सर। ठीक है। पिछे झंडा फड़ के बैठे ने। ये पीछे बैठे जी सर, ते मैं अगे चला रहा हां। ठीक है। बा पहली रेस दिती है सर। हां। उस वजह अचानक मैनू आसमान नजर आउन लग पया जी सर। सर उहदी रेस भी ज्यादा हुंदी है ना। हां। ते पिछे आप भी बैठे सन। हां। ते बस फिर ये थल्ले सन, मैं इन्हां दे उत्ते ते मेरे उत्ते मोटरसाइकिल। उत्ते पता ना लगे दोवां चों मोटरसाइकिल केड़ा है यार। सर सीटियां ही इन्नियां वजियां ने, क्लैप होई बड़ी, क्लैप होई। हां, इस गल ते फिर खुश होए ने। ठीक है भाई। चौधरी सफीर और नास भी सोच रहे हैं। आ कहंदा फिर पीछे हो जा जी, इन्नी क्लैप हुंदी है। अच्छा, इन्ने लोग एंजॉय करदे ने, तो फिर मैं चलावांगा। आई वाह, बस फिर खुद चलाई उन्होंने। हां जी। आई वाह या हबीबी, मालूम लम यरौनी अरकबु दर्राजातन बादी। हां जी। हैं की नहीं फिर चुकिया ना जी मोटरसाइकिल। मेरे टाइम ते नहीं सन पुलिस वाले, उन्नी देर आ गए सन। हां जी, फिर उन्होंने फिर ला लिया क्या? वो फैंटी लगी है फिर। अच्छा। हां सर, ਉਹ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਚੰਗਾ ਫਾਂਟਾ ਚਾੜਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਲੇਸ ਅਲ ਹਾਜ਼ਰ ਬੀ ਕਦਰ ਫਰਾਹੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫੈਂਟਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕੈਫ ਅਲ ਹਾਲ ਯਾ ਹਬੀਬੀ? लाल तो ठीक है। लाला अव्वल आरिफ आरिफ كيف انا ما في معلوم يا حبيبي اول مبروك يا حبيبي انا انا سر شيخ وزن بن ذره وزن بن ذره हां जी हां जी बस माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है 3.5 मन सर ये दिन दिन दी दसी है ये रात नहीं पाईया इशारा है हबीबी نہیں تو کل لا لا تخبرهم يا حبيبي نہیں نہیں میں شکایت لونی لا لا یا فرش کل یا حبیبی اجازه میں شکایت لونی ہے گورنر صاحب نے بڑی پاور ہے انہاں دی لقد رايت الامن الخارج هم تے جڑے پہلے 76 پے نے او تے ککھ بھی نہیں اے ہن صحیح پینے نے لا لا ما فی شيء یا حبیبی سر جی اسی تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے کہنے ہیں کہ اس ویلے تسی چینل تے بیٹھے ہو کیمرے دے وچ سارے پاکستانیوں نوں دسو بھئی ماں باپ تواڈے کتنی محنت نال تانوں پال دے نے اے پھر نال ون ویلنگ کردے نے او دے وچ حادثات ہوندے نے بہت سارے بچے ڈیتھ ہو جاندی ہے سر انہاں دی ماں باپ انتظار کردے رہ جاندے نے اللہ دے واسطے جی 14 اگست مناؤ لیکن محبت اور احترام دے نال مناؤ ایسی کوئی حرکت نہ کرو جدی تانوں تے تواڈے ماں باپ نوں نقصان ہوے بالکل اور پاکستان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے سر ماشاء اللہ یا صدیق دعوت الطعام دعوت الطعام میں سوچ رہا تھا کدو کہو کہ دعوت الطعام ہاں جی دعوت الطعام میں دینی ہے نہ دینی لا لا یا صدیق من گورنر تسی گورنر تسی کھوانی सदा सा हमारा छोटा सा एक सेगमेंट है, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ये आपका जमहूरी हक है। ठीक है, तो सर आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा अदाकार आपका किरदार निभाए उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जावेद शेख साहब और नदीम साहब। ठीक है सर, ये बताएं एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें आप देखते हैं 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे
और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब टिसोरी साहब गवर्नर सिंध, जनाब नदीम अफजल चंद और जनाब फारूक सत्तार। तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे पहले ये बताएं। तस्वीर मैं खिंचाऊंगा टिसोरी साहब के। ठीक है जी, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? नदीम अफजल चंद को। और किसका फ्लोर आ गया है? तो फिर उन्हीं का आ गया जो बच गया। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, आप किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहेंगे आप फिलहाल? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्ला और जनाब सरफराज बुगटी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, देखिए जनरल नॉलेज की तरफ, जनरल नॉलेज में चले। अच्छा आपसे आपका ही मतलब का जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कितने में वजीर आजम है? मैं 47 हूं तो फिर उनको 45th कर लेते हैं। सर फॉर्म नहीं है। हम वापस चलते हैं ओरिजिनल्स की तरफ। सर ये बताइए सर, साहब लॉन्ग फ्लाइट पे हैं आप, अमेरिका जा रहे हैं, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, आप बैठे हुए हैं, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कुछ लोग आए और वाए कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। अब ये 12-13 घंटे का सफर है, किसको 12-13 घंटे के लिए अपना हम सफर बनाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और महवेश हयात। ये फिर आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। अगर मैं अली अमीन गंडापुर साहब को बिठाऊंगा तो मुझे उठना पड़ेगा, और अगर मैं महवेश हयात को बिठाऊंगा तो मैं घर नहीं जा सकता। किसी एक को बिठा ले सर, बर्दाश्त कर लेंगे, कौन सा वाला? देखिए सर दोनों ईमानदारी से बहुत मुश्किल। चले मैं तीसरा इंसान डाल दूं बीच में, तीसरा को डाल। चले ठीक है, एक हमने डाला था अली अमीन गंडापुर साहब, एक हमने डाली थी महवेश हयात साहिबा, तीसरी सर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। वो पुरानी कुलीग्स हैं, उनको बिठा लूंगा। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, दो VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, ये बताइए टाइटैनिक पे किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और सबा कमर। उस जहाज ने डूबना है या वापस आना है? सर वो जो भी होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन उससे पहले 2-3 दिन गुजरेंगे। 2-3 दिन गुजरे, सफर चलेगा, अभी स्टार्ट हुआ है। ये फिर आपने वैसे ही सवाल कर दिया, खतरनाक। तीसरा कोई बंदा नहीं हो सर? नहीं, दो में बताइए ना सर। तो चौधरी साहब अगर दोनों को ले जाए तो? नहीं सर दोनों आप इतनी देखे लालच नहीं हम कर सकते हैं। एक की हमने बिल्कुल दो डिफरेंट टाइप के लोग आपको दिए हैं। फिर तो सबा कमर को ही ले जाए। सबा कमर को। सरदार साहब ये बताइए सर, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि इनमें से किसी एक शख्स को आप वापस कन्विंस करके पीपल्स पार्टी में ला सकते हैं, किसको लाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं लतीफ खोसा साहब और अजमा बुखारी। अजमा बुखारी। अजमा बुखारी को लेंगे। और सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस हैं कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तजा। अच्छा एक जैकेट है और इन चार में से एक को देनी है सर, तो फिर हसन मुर्तजा को ही देते हैं। हसन मुर्तजा को दे दिया। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू सर, एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होल टेन्योर, एंड थैंक यू सो मच अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया।